नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में कवर करने वाला हूं बिहार स्टेट भर्ती परीक्षा से रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट हैं सभी के सभी आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। क्या योग्यता रहने वाली है 9th 10th के लिए, 11th 12th के लिए क्या क्या योग्यता रहने वाली है, सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसमें आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, जितने भी आपके डाउट हैं सभी के सभी आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर कोर्स आ चुका है, कोर्स में आपको फुल सिलेबस कवर करवाया जाएगा। जितने भी आपके 15 यूनिट में सिलेबस दिया हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं हम। हर एक लेक्चर के आपको नोट्स मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आपको नोट्स PPT फॉर्म में और शानदार तरीके से व्यवस्थित रूप में मिलने वाले हैं। 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो कि आपके एस्टेट के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करेंगे। आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा। PY के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एस्टेट के जितनी भी पेपर हुए हैं, जितनी भी अभी तक आपके BPSC का एग्जाम हुआ है, सभी के सभी PY आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 521 रुपये में। गाइस बहुत ही कम फीस रखी है जिससे सभी के सभी विद्यार्थी इसको अफोर्ड कर पाएँ। जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे शिक्षा प्लानेट का ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपका संगीत विषय से रिगार्डिंग जितनी भी आपके डाउट थे सभी के आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं संगीत विषय आपका कोड नंबर 114 है। ये आपका 9th और 10th वाला रहने वाला है TGT का पेपर फर्स्ट के लिए। तो पेपर फर्स्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, न्यूनतम 50% अंक आपका होना चाहिए। आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्थान से आपने संगीत की स्नातक उपाधि ले रखी है या उसके समकक्ष जो भी आपने ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, काफ़ी विद्यार्थियों का डाउट था कि सर हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रखा है, प्रयागराज संगीत समिति से कर रखा है, चंडीगढ़ वाले भी काफ़ी असमंजस में हैं। तो मैं आपको बता दूँ बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी विश्वविद्यालय हैं, सभी से आपने अगर डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई भी यहाँ पर पाबंदी नहीं है, कहीं से भी आपने कुछ भी कर रखा है, जैसे कि आपके पास अगर BA है, आपके पास BMUSE है, आपने प्रभाकर कर रखा है, आपने विशारद कर रखा है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम आपका संगीत विषय कोड नंबर 228 आपका 11th 12th के लिए आपका PGT वाले पेपर सेकेंड वाले। तो पेपर सेकंड वालों के लिए यहाँ पर योग्यता क्या रखी गई है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से आपने संगीत में, ऐसा आपने संगीत में अगर डिग्री कर रखी है, आपने अलंकरण कर रखा है, आपने इस प्रकार की जो आपके MA है उसके समकक्ष जितनी भी आपकी डिग्रियाँ रहती हैं, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी संस्थान से अगर कर रखी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, सभी के सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही शानदार सुनहरा मौका है, तो आप जितनी भी विद्यार्थी हैं फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आगे बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। पेपर फर्स्ट में आपका क्या रहने वाला है, देखिए माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम अथवा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रश्न पत्र पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका टोटल 150 प्रश्न पत्र आपका रहने वाला है। एस्टेट में आपका 150 क्वेश्चन का आपका यहाँ पर पेपर रहेगा, उसमें से आपका 100 नंबर सब्जेक्ट का रहने वाला है, उसमें आपका म्यूजिक रहेगा 100 नंबर का, 50 नंबर का आपका अदर स्किल जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जो अदर स्किल रहता है जैसे मैथ रीजनिंग आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर इस प्रकार का आपका 50 नंबर में रहेगा। तो आप अपना म्यूजिक का सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आप यहां से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो म्यूजिक के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें, काफ़ी विद्यार्थियों को यहां पर डाउट था कि उम्र सीमा क्या रहने वाली है। देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को 1/8/2024 तक आपकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, आपका 1/8/2024 तक 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम। और आपका अधिक से अधिक आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अधिक से अधिक आपका अनारक्षित पुरुष के लिए आपका UR के लिए आपका 37 वर्ष होना चाहिए, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है,
आपका पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष और आपका अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिला के लिए 42 साल। तो यहाँ पर यह आपकी आयु सीमा रहने वाली है। अगर इस आयु में आप आते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सुनहरा मौका है। जितने भी विद्यार्थी इस क्राइटेरिया में आते हैं फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। अब देखिए आगे इसमें बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 921 दिनांक 22/1/2021 में किए गए दिव्यांग अनुवर्तियों के लिए उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो आपका दिव्यांग है पीएच कोटा से आते हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट रहने वाली है और जो भी आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 3 साल की, इस प्रकार की आपको जो गाइडलाइन रहती है उनके हिसाब से आपको छूट यहाँ पर मिलने वाली है। अब बात करते हैं आपका आगे महत्वपूर्ण आपका जो रहने वाला है आपका उत्तीर्ण क्वार्टेरिया यानी कि आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना रहने वाला है। सामान्य के लिए 50% रहने वाला है। अगर आपका 150 में से 75 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट रहने वाला है आपका म्यूजिक। आपका म्यूजिक में ही अगर आप 75 नंबर ले आएंगे तो आप वहीं से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उसके लिए हमारी तरफ से कोर्स स्टार्ट हो चुका है। जितनी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% रहने वाला है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, SC/ST के लिए आपका 40% रहने वाला है, दिव्यांग के लिए 40% और महिलाओं के लिए 40%। महिला किसी भी वर्ग की हो उनके लिए 40% यहाँ पर रहने वाला है। तो यह आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। जितनी विद्यार्थी कितने नंबर लेके आएंगे तभी आप एस्टेट क्वालिफाई कर पाएंगे और BPSC की जो आपकी अगस्त में भर्ती परीक्षा आने वाली है उसमें आप बैठ पाएंगे। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन। आगे बात करते हैं आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए आपको किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी भी पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका पेपर एक के लिए 960 रुपये रहने वाले हैं और पेपर एक और पेपर दोनों अगर आप भरना चाहते हैं तो 1440 रुपये आपका फीस रहने वाला है। SC/ST के लिए आपका 760 रुपये रहने वाला है एक पेपर के लिए और आपका दोनों पेपर के लिए 1140 यहाँ पर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका जो फीस है वह रहने वाला है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको एक नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर पर 9005102878 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो कोर्स रिगार्डिंग या फिर आपको भर्ती से रिगार्डिंग, क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन पनप रहा हो तो आप इस पर कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप जितनी विद्यार्थी एस्टेट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सभी के सभी हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और गैस मैं आपको बता दूँ जल्द से जल्द अपनी तैयारी में लग जाइए। पिछली बार भी काफ़ी विद्यार्थियों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था लेकिन वह क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अच्छे से गाइडेंस में तैयारी नहीं की और अच्छे से उन्होंने अपने आप को तैयारी के लिए डाला नहीं। तो आप हमारे साथ जुड़ के 100% अपना एस्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही आपके लिए जानकारी देना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय जय भारत।